नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के 22 केंद्रों पर CDPO की परीक्षा शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। सघन जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में कराया गया प्रवेश। सहरसा में बदमाशों ने दरिंदगी की हदें की पार। सामूहिक दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर किया वायरल। पीरपैंती में ट्रक और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर, एक की मौत, दो की हालत गंभीर। नारायणी नमोस्तुते से अवार्ड शिरोमणि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। और महर्षि महिप्रह्मंस की महाराज की मनाई गई 138वीं जयंती। अब खबरें विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित CDPO यानी बाल विकास परियोजना अधिकारी की परीक्षा भागलपुर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। रविवार को CDPO के पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य ज्ञान की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिन के 12 बजे से 2 बजे तक चली। वहीं BPSC 67वीं के पेपर लीक होने के बाद CDPO परीक्षा में काफी सावधानी बरती गई। आयोग ने परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र के सील पैकेट रखे जाने वाले कक्ष की CCTV और वेव कैमरे से निगरानी सुनिश्चित की थी, जबकि जिला प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संबंधित थाने के SHO समेत अन्य अधिकारी गश्ती करते दिखे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ाई से जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैग को परीक्षा केंद्र के बाहर रखवाया गया था। इस दौरान परीक्षार्थियों को अपने सामान की चिंता भी सताती रही। वहीं परीक्षा अवधि के दौरान जिले के 22 केंद्रों के बाहर धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहा। परीक्षा देने के बाद एक परीक्षार्थी ने बताया कि परीक्षा में बिहार के 3 चौधरी से जुड़े एक सवाल में वह उलझ गए। दरअसल BPSC की ओर से आयोजित CDPO की परीक्षा में 128वां सवाल था कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है। पहले विकल्प के तौर पर पंचायती राज विभाग के पूर्व प्रधान सचिव रहे अरविंद कुमार चौधरी का नाम था। दूसरा नाम पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का और तीसरा विकल्प पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह के रूप में था। चौथा नाम शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का, तो पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं दिया गया था। इस तरह एक सवाल में 3 चौधरी का ऑप्शन आने से CDPO के अभ्यर्थी खूब उलझे, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर सम्राट चौधरी था। सहरसा में दरिंदगी की हादें पार करते हुए 3 युवकों ने एक विवाहित महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना बिहरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित महिला ने गांव के ही 3 युवकों पर बारी बारी से बलात्कार करने और मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। वहीं घटना को लेकर पीड़िता ने महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि पिछले 12 मई को वे घर से कुछ दूरी पर एक बांस बाड़ी में शौच करने के लिए गई थी, जहां पहले से घात लगाए गांव के रंजीत कुमार, चंदन कुमार और राहुल कुमार ने उसे पकड़ लिया और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी लड़कों ने दुष्कर्म के दौरान मोबाइल से उसके वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। इधर इस पूरे मामले पर मुख्यालय DSP विज नंदन मेहता ने कहा कि एक विवाहिता के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला के बयान पर महिला थाने में कांड दर्ज कर लिया गया है। साथ ही DSP ने कहा कि आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है और जल्द ही घटना में संलिप्त युवकों को गिरफ्तारी कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हमें जल्दी बाहर बस वायर जैसे से आई 3-4 लड़का अच्छे से मौके में बुझल हमारा जबरदस्ती से घीच के ले गए, कपड़ा से मुँह को बंद कर दिल, हल्ला करे रही तो हल्ला नहीं करे दिल, बलात्कार जैसे से हमारा क्या ले 3 लड़का जैसे से बलात्कार कर दिल। फर्स्ट में चंदन, तेके बाद राहुल, तेके बाद रंजीत, चंदर जैसे से हमारा मुँह को बंद करे से बगल में ठार भेल छे। तो उनके गुटिया से ही बताया जाते हैं कोई रिश्ते में जो है चाची भी लगेंगे तो कोई जो है जो रिश्ते में बताया जा रहा है उनको उसी के पड़ोसी से कुल मिला के अपने चाची के साथ रेप किया। तो या तो जो है अब संबंध तो जो है वो तो छुटता नहीं है, संबंध तो है और उस
इसका जो है तहकीकात किया जा रहा है, साथ ही जो है वीडियो वायरल भी हुई, सत्यता की जाँच की जा रही है। भागलपुर पीरपैती प्रखंड अंतर्गत ईशीपुर थाना क्षेत्र के प्यालापुर चौक पर ट्रक और हाईवा के बीच हुई भीषण टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। मृतक की पहचान अरुण तांती की 18 वर्षीय पुत्र रखिया तांती उर्फ राजेश तांती के रूप में हुई है। वहीं घायल मुरली पांडे का कहना है कि वे सभी चौक पर अपनी गाड़ी खड़ी कर चौमिन खरीद रहे थे, तभी अचानक ट्रक और हाईवा के बीच टक्कर हुई और उनकी मोटरसाइकिल भी चपेट में आ गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही शिपुर बाराहाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए पीरपैती रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी इस जगह पर घटना हुई है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई, जिससे लोग अक्सर सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। घटना हुआ कि उसका छोटा सा लड़का था, उसका पैर कटा था, वो मेडिकल आया था दवा लेके, दवा लेकर के वो लौट रहा था केलापुर धमरसल्ला चौक के पास में, उसको लगड़ दिया साइड में जाकर के, जो हैवान हुआ टकरा गया। भागलपुर के तिलका मांझी जवारीपुर स्थित वृंदावन भवन में रविवार को नारायणी नमस्तुते 2022 अवार्ड शिरोमणि एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर की वैसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दिया है और उनके कार्यों से भागलपुर जिले की गरिमा बढ़ी है। वहीं इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मेयर वीना यादव, उप मेयर राजेश वर्मा, युवा समाजसेवी विजय यादव, बंटी यादव और बबीता यादव समेत कई सम्मानित अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरन्या नृत्य कला केंद्र की ओर से गणेश वंदना की प्रस्तुति से हुई। बता दें कि खेल, नृत्य, संगीत, शिक्षा, चिकित्सा एवं सामाजिक कार्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए युवा समाजसेवी विजय यादव के द्वारा रेशमी शहर भागलपुर की कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान भागलपुर के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई, जिसके प्रशाल में बैठे लोगों ने खूब सराहना की। वहीं विजय कुमार यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसमें भागलपुर की पूर्व मेयर वीना यादव, जिया गोस्वामी, बबीता यादव, छाया पांडे, संगीता तिवारी, सुमन सोनी, शवाना सोयता सिंह के अलावे कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। आज का कार्यक्रम नारायणी नमस्तुते मातृदिवस पे ये कार्यक्रम, क्योंकि ये कार्यक्रम मातृदिवस के उपलक्ष में रखा गया था, किसी कारणवश उसमें नहीं हो पाया, जो ये आज कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम माताओं को सम्मान करने के लिए, जो माताएं समाज में सोशल एक्टिविटी जिसका रहता है, समाज में जो है लोगों की मदद करना, किसी भी कार्यक्रम में मतलब गरीबों की मदद करना या किसी भी सोशल एक्टिविटी में रहती है, उसे माताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। ये भागलपुर में पहली बार हो रही है। इससे जो है प्रत्येक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा आगे आने के लिए, ताकि वो भी बढ़ चढ़ के सामाजिक क्षेत्र में काम करेगी और अच्छा इसका जो है मतलब सामने जो आने वाला समय है ये अच्छा आने वाली है माताओं के लिए। क्योंकि मैं सामाजिक क्षेत्र से हमेशा जुड़ा रहता हूँ और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को ये प्रेरणा तो अपने आप से ये आती है कि भाई जब हम समाज सेवा कर रहे हैं तो हमारे साथ साथ जो भी जितने भी लोग कर रहे हैं उसको सम्मानित किया जाए, क्योंकि सम्मानित करने के लिए समाज सेवी को समझ सकता है कि उसको सम्मानित करना। संत सद्गुरु महर्षि मेहप्रमंस जी महाराज की 138वीं जयंती को लेकर रविवार को भागलपुर के कुपाघाट स्थित महर्षि मेहि आश्रम में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आश्रम परिसर से गुरुदेव की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आश्रम के संतों के अलावा काफी संख्या में गुरु भक्त शामिल हुए। वहीं शोभा यात्रा के बाद आश्रम में ग्रंथ पाठ कर गुरु महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। सत्संग कार्यक्रम के दौरान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज ने सद्गुरु की महिमा का वखान करते हुए कहा कि अगर वे नहीं होते तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान विलुप्त हो जाता। साथ ही कई संतों ने भी प्रवचन और आशीर्वचन किया। मौके पर आश्रम के दर्जनों संत और संतमंत के पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न जगहों से आए गुरु सेवी और श्रद्धालु मौजूद रहे। इधर सुल्तानगंज सत्संग गली स्थित महर्षि मेहि आश्रम में महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज की 138वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। वहीं समारोह को लेकर समाजसेवी अरुण चौधरी ने बताया कि गुरु महाराज की 138वीं जयंती पर कई कार्यक्रम मनाया गया, जिसकी शुरुआत रविवार को प्रभात फेरी से हुई, जबकि इसके बाद महर्षि मेहि आश्रम सुल्तानगंज में संतमत सत्संग के आचार्य स्वामी रघुनंदन जी महाराज के द्वारा भक्तों को गुरु महाराज के जीवन और उनके आदर्शों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर वीरेंद्र दास, गजाधर बाबा, धीरेंद्र बाबा, रामानंद यादव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज हमारे गुरुदेव महर्षि मेहि परमहंस जी का 138वां जन्मदिवस है। इस मौके पर आज सुबह प्रभात फेरी का कार्यक्रम रखा गया था
उसके बाद अभी यहाँ पर सत्संग हो रहा है, उसके बाद सामूहिक भंडारा का आयोजन होगा। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। एक आवश्यक सूचना, यह बच्चा गूंगा है और 5 मई 2022 की सुबह 6 बजे से लापता है, जिसका नाम राज है। पिता का नाम इम्तियाज कुरैशी, उम्र 12 वर्ष, रंग गोरा है। बच्चे ने भूरे रंग का टी शर्ट एवं हरे रंग का ट्राउजर पहना है, जो चंबेली चक रोड मौलाना चक भागलपुर बिहार का निवासी है। बच्चे की जानकारी मिलने पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सूचित करने की कृपा करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत वार्ड संख्या 3 में रविवार की सुबह अस्पताल गेट के सामने रखे पुआल में असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा दी गई, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक पुआल का ढेर राख हो चुका था। वहीं पीड़ित मंजुला देवी ने बताया कि असामाजिक तत्व के द्वारा आग लगाई गई है, जिससे सारा पुआल जल कर राख हो गया। कितना ला रहा था ग्राम? 10,000 से ऊपर ला रहा, नीचे न लगभग का कितना का नुकसान हुआ? नुकसान तो देखे से सब नुकसान या थे बेटा, या को गटिया को मातर नहीं चाह बेटा ला रही है। आग कैसे लगा इसका पता नहीं है? सहरसा में अज्ञात चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक सुनसान घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घर वाले शादी समारोह को लेकर कई दिनों से बाहर गए हुए थे, जिसके बाद सोने घर का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वही चोरी की वारदात को लेकर बताया जा रहा है कि जदयू नेत्री स्मिता सिन्हा सदर थाना क्षेत्र के वार्ड 22 एसएस विकास मिश्रा के घर में किराएदार के रूप में रहती है और वह बीते 10 मई को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए सपरिवार मधेपुरा जिले के चौसा स्थित घर गई थी। स्मिता सिन्हा ने बताया कि चोरी किस दिन हुई यह पता नहीं चल सका है, लेकिन वापस आने पर मेन गेट और घर के गेट का ताला टूटा मिला, जबकि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया कि घर के अंदर जाकर देखा तो घर में रखे ट्रंक और गोदरेज का भी ताला टूटा हुआ था, जबकि अज्ञात चोरों ने घर से 4 लाख के जेवरात, 1.5 लाख कैश और 50,000 की कीमती सामान के अलावे कपड़े पर भी हाथ साफ कर लिया। साथ ही बताया कि ननद की शादी के लिए कीमती जेवरात और कपड़े खरीद कर रखे थे, जो चोरी हो गई। वहीं चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही सहरसा सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। में हम लोग जो है 10 तारीख को रात मतलब सुबह हम शादी में गए हुए थे, भाभी का जो है भाई का शादी था, उसी में शादी के लिए गए हुए थे। आ जाए तो देखे कि घर का मेन गेट छोड़ के बाकी सभी ताला टूटा हुआ था और जो है सभी सामान बिखरा हुआ था। गोदरेज का सारा सामान जेवरात था, सब चीज़ है, सब चीज़ लेकर चले गए। कैश जो भी था कैश भी ले गए। क्या लग रहा है कितने लागत की चोरी हुई है? लगभग भाभी जो है 4 लाख रुपया दीदी की शादी के लिए जो है जेवर खरीद के रखी हुई थी। मधेपुरा जिला मुख्यालय के जयप्रकाश नगर वार्ड नंबर 6 में गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण अचानक आग लग गई। वहीं इसको लेकर उमेश यादव ने बताया कि गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण लगी आग की लपटें घर के दूसरे हिस्से में फैल गई, जिससे बचाव के लिए लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग काफ़ी तेज होने के कारण घर में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद चीखे सुनकर आसपास के लोग दौड़ कर आए और आग को बुझाने का प्रयास किया। इधर लोगों द्वारा मिली सूचना के काफ़ी देर बाद फायर ब्रिगेड
ब्रिगेड की छोटी गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन दमकल का पानी खत्म हो जाने के कारण आग बुझाने में सफलता नहीं मिल सकी। वहीं ग्रामीणों की मदद से दमकल में पानी भरने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के हाजीपुर स्थित महनार स्टेशन रोड के समीप बाराती दरवाजा लगाने के दौरान हुए विवाद के बाद जमकर रोड़ेबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं रोड़ेबाजी की इस घटना में हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उग्र बाराती एवं शरारतियों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद विवाद बढ़कर लोगों के घर तक पहुंच गया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही महनार थाने की पुलिस ने मामला शांत कराया। वो लड़का डांस कर रहा था बजा पर, उसको सब कालर पकड़ लिया, गर्दन धो लिया, उसी को सब मारने लगा था, छुड़ाने लगा, इसी पर सब लाठी उठी गर्दा में चलने लगा, ईटा उठा सब। कहाँ के लड़का डांस कर रहा था आप लोग का? हाँ, गांव के लड़का। कौन लोग मारने लगा? वो बरियातिया लोग, बराती का था। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ईटा पत्थर चला, हम लोग साइड हो गए, इधर रेस्टोरेंट तरह आ गए, रेस्टोरेंट के बाद हम लोग डरे भागा है इधर, घर में घुस घुस कर मारा रोड़ा पत्थर ईटा चला। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले के 22 केंद्रों पर CDPO की परीक्षा शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। सघन जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में कराया गया प्रवेश। सहरसा में बदमाशों ने दरिंदगी की हदें की पार, सामूहिक दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर किया वायरल। पीरपैंती में ट्रक और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर, एक की मौत, दो की हालत गंभीर। नारायणी नमोस्तुते से अवार्ड शिरोमणि कार्यक्रम का हुआ आयोजन, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। और महर्षि मेहि प्रमहंस की महाराज की मनाई गई 138वीं जयंती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।